सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबाइए और हॉरीवन की एक भी वीडियो मिस ना करिए। आज के समय में मूवीज और टीवी सीरीज की वजह से आप लोगों ने ज़ॉम्बीज के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और आप में से कुछ लोग इनसे बेहद डरते भी होंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ज़ॉम्बीज असल में क्या होते हैं, क्या ज़ॉम्बीज असल जिंदगी में भी पाए जाते हैं और क्या कभी ज़ॉम्बी एपोकलिप्स भी हो सकता है। ज़ॉम्बी एक फिक्शनल स्केरी कैरेक्टर है जिसका मतलब होता है एक ऐसा मरा हुआ इंसान जो कि किसी वजह से अब भी चल फिर सकता है। मूवीज के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा तब होता है जब कोई बहुत बड़ा साइंटिफिक एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे गलती से किसी खतरनाक वायरस का लीक हो जाना या फिर और कुछ। 1929 वो वर्ष था जब ज़ॉम्बीज के बारे में बहुत से लोग जानने लगे, क्योंकि इस साल द मैजिक आइलैंड नाम की एक बुक रिलीज हुई थी जिसमें ज़ॉम्बी और वुडू कल्चर के बारे में बताया गया था। देखते ही देखते कुछ ही समय में ज़ॉम्बी शब्द पूरे दुनिया में जाना जाने लगा। बाद में ज़ॉम्बीज को और लोकप्रियता तब मिली जब साल 1932 में ज़ॉम्बीज पर पहली फिल्म बनी जिसका नाम था विक्टर हर्पलिन। इसके बाद तो उस दौर में ज़ॉम्बीज पर इतने मूवीज और बुक्स लिखे गए कि ज़ॉम्बी को हर जगह जाना जाने लगा और दुनिया को उस दौर का एक नई किस्म का भूत मिला। लेकिन देखते ही देखते ज़ॉम्बी से बहुत ज़्यादा लोग डरने भी लगे। धीरे धीरे बहुत से लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि असल जिंदगी में भी शायद इंसान ज़ॉम्बी बन सकता है और देखते ही देखते दुनिया भर में ये स्केरी फिक्शनल कैरेक्टर न जाने कब रियल बन गया। तो फिर यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ज़ॉम्बीज जैसा कुछ असल जिंदगी में भी होता है? तो इसका जवाब है हाँ, होता है। हेती नाम के कैरेबियन देश में ज़ॉम्बीज पाए जाते हैं। लोगों के हिसाब से हेती में पाए जाने वाले ज़ॉम्बीज मूवी और टीवी शोज वाले ज़ॉम्बी से कुछ अलग होते हैं। कहा जाता है कि हेती देश में कुछ तांत्रिक अपने काले जादू और कुछ दवाइयों के मदद से आम लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल देते हैं और उसके बाद वो तांत्रिक उन ज़ॉम्बी से पूरी जिंदगी अपनी गुलामी करवाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा कुछ साल पहले हेती में देखने को मिला जिसमें एक लड़की ने 20 साल पहले खोए अपने भाई को एक तांत्रिक की गुलामी करते हुए पाया। आज के समय में ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में उसी शख्स की तरह हजारों और लोग इसी तरह ज़ॉम्बी बने, ऐसे ही कई तांत्रिकों की गुलामी कर रहे हैं। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या कभी ये गुलाम इंसान पर खतरा बन सकते हैं? मूवीज और टीवी सीरीज में तो हमने कई बार ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा बहुत कुछ देखा है, मगर यहाँ एक सवाल ये उठता है कि अगर ज़ॉम्बीज असल में होते हैं तो असल जिंदगी में क्या ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसा कुछ हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है, मगर उसकी वजह शायद ये गुलाम ज़ॉम्बीज ना हो बल्कि वैसे ही ज़ॉम्बीज हों जैसा हमें फिल्मों में देखने को मिलता है। हो सकता है कि किसी दिन किसी बड़े साइंटिफिक एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे इंसान
इन्फेक्टेड हो जाएं। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स की कई ऐसी गवर्नमेंट वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जो आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स जैसे खतरों से कैसे बचा जाए बताती हैं। इसका मतलब हम ज़ॉम्बीज को एक अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सच में भविष्य में ज़ॉम्बीज इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा जरूर बन सकता है। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और डरावनी कहानी के साथ।